नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधायक ने किया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण, जल्द ही उर्दू शिक्षक की नियुक्ति का दिया भरोसा। क्रय केंद्र नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी, व्यापारियों की सरकार होने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। युवक ने अधेड़ को गोली मारकर किया घायल, मामूली विवाद का था मामला। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड के रुड़की की, जहां विश्व भर में प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का 751 उर्स मुबारक को लेकर कलियर शरीफ साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि साबरी रहमतुल्लाह अलैही ने 12 साल सिर्फ गुल्लर खाकर गुजारे थे। आपको जो गुल्लर का पेड़ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वही गुल्लर का पेड़ है जहां उन्होंने 12 साल तक लंगर बनाया और लोगों को खिलाया, लेकिन खुद गुल्लर खाकर ही अपना जीवन यापन किया। शायद उसी मेहनत का फल है जिससे लोग कलियर शरीफ में चारों ओर साबिर के नाम का लंगर खाते दिखाई दे रहे हैं। और उसकी तैयारी रंग रोगन शुरू होने वाला है, बाकी जितनी झूमर वगैरह है सब वो तैयार हो गए, उनकी धुलाई करी, वापस उनको टांग दिया गया है और अब रंग रोगन शुरू होने वाला है। लगभग जो है वो उसकी तैयारी काफ़ी हो चुकी है और बाकी रंग रोगन बाकी है, वो भी शुरू होने वाला है। तो जी ये वो जो है, हाँ भाई, ये 91 751 751 ना जी जी सर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत से, पूरी स्टेट से, पूरी भारत से सभी धर्मों के लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांग के जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है साबिर पाक के दरबार से। और जो मरीज है वो ठीक हो जाते हैं यहाँ से, जिनका उपरा होता है असरात का चक्कर होता है वो भी ठीक हो जाते हैं, बाकी जो अपनी मन्नत मांगने आते हैं पूरी भारत से आते हैं। रहमान है, कहाँ से है? दिल्ली से। अक्सर आते हैं? अक्सर आते हैं। कैसा लगता है आपको? अरे मतलब मुरादें पूरी करने वाले हैं, साबित किया कोई, इसमें वो बुराई थोड़ी है। परिवार हमारी मुरादें पूरी होती हैं, हम हाजिरी देने जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। इस पेड़ के गुल्लर की लोगों में बड़ी मान्यता है। लोगों की माने तो यहाँ के गुल्लर खाने से हर तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। आपको बता दें कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैही की दरगाहें मुबारक विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें साबिर के दरबार से पूरी भी होती है। साबिर पिया के दरबार में लोग खाली हाथ आते जरूर है, मगर झोलियाँ भर कर जाते हैं। कहते हैं कि जो एक बार साबिर पिया के दरबार में आया वो साबिर का ही होकर रह गया। रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। अगली खबर भी उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां झबरेड़ा विधायक ने हरजोली गांव में सड़क का शिलान्यास करने के उपरांत प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की मांग पर उर्दू शिक्षक के लिए उन्होंने ग्राम प्रधान को आश्वासन दिया कि जल्द ही उर्दू शिक्षक की नियुक्ति करा दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक और ग्राम प्रधान पति द्वारा सफाई अभियान भी चलाया गया। ग्राम प्रधान पति इमरान ने बताया कि विद्यालय में उर्दू की टीचर ना होने के कारण बच्चे उर्दू की शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। देखिए, परम पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती 150वीं जयंती को उपलक्ष्य में जो पदयात्रा का जो शुभारंभ निशंक जी के द्वारा हमारी विधानसभा में किया गया था, मुझे भी, मैंने पूरी विधानसभा का खाका तैयार किया है। मैं हर गांव में जाऊंगा और वो लगभग 200 किलोमीटर के लगभग की वो यात्रा रहेगी। मैं हर गांव में दौरा करके 200 किलोमीटर के लगभग, 195 किलोमीटर के लगभग ये रूट बन रहा है, तो इसमें मैं जाकर के गांव में जो इस यात्रा का जो उद्देश्य है उसके बारे में ग्रामवासियों को समझाऊंगा। यहां पर हरजोली झोजा के प्रधान जी
और गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ पर मौजूद थे और प्रधान जी ने और हमने मिलकर के प्राइमरी पाठशाला के सामने सफाई अभियान किया है। और ये मैसेज गया है कि जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, अब्दुल कलाम आज़ाद और सर सैयद साहब और तमाम उन आज़ादी के मतवालों को, वीर अब्दुल हमीद, तमाम उन आज़ादी के मतवालों का जो सपना था उसे साकार करने के लिए ये पदयात्रा का शुभारंभ मोदी जी ने किया है। उनके खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के प्रयागराज की, जहां घनघोर बरसात की वजह से कई कच्चे मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग बस्तियों में चूल्हे तक नहीं जला पा रहे हैं। इस दौरान पूर्वांचल के प्रख्यात भोजपुरी गायक राजेश परदेशी ने पीड़ितों की पीड़ा को देखते हुए खाद्य सामग्रियों के साथ सारीपुर मुसहर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पीड़ितों को खाना के साथ साथ बिस्किट का पैकेट वितरित किया। खाना खाने के बाद पीड़ित बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गायक राजेश परदेशी से पीड़ितों ने कहा कि दिन तो कट जाता है पर रात पहाड़ जैसी लगती है। ये सुनकर राजेश परदेशी की आंखें भर आई। फिर लोगों के जिद पर उन्होंने एक गाना भी सुनाया। अगली खबर यूपी के जनपद हापुड़ से है, जहां सरकार द्वारा धान के मूल्य तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उन मूल्यों पर खरीदने के लिए सरकार द्वारा कोई भी क्रय केंद्र नहीं खोले गए हैं। इस दौरान किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा क्रय केंद्र ना खोले जाने का मुख्य कारण केंद्र में व्यापारियों की सरकार होना है, जो कहीं ना कहीं व्यापारियों का समर्थन करते हुए किसान का उत्पीड़न कर रही है। मंडी में बैठे व्यापारी सरकारी दामों पर धान की फसल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हुए अपने लगाए गए दामों में खरीदना चाहते हैं। मूंग की पैदावार जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि बारिश पड़ गई, जब धान पक के आया तो खेतों में जो है कटे हुए धान पर भी जो है पानी घूम गया, तो भारी नुकसान है खेतों में, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान है और किसान काफ़ी परेशान है। अच्छा, बाजार की क्या स्थिति है? बाजार की स्थिति बहुत दयनीय है। गवर्नमेंट ने घोषणा कर देती है भाई इतने क्रय केंद्र खुलवाएंगे, लेकिन हमारे हापुड़ जनपद में जो है कोई भी जो है खरीद केंद्र जो है गवर्नमेंट का खुला नहीं है। तो बाज़ार में हम ले जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी व्यापारी जो रेट बता देते हैं वो रेट पर हमें जो है संतुष्ट होकर अपने जो है आ जाते हैं घर को। अगली खबर यूपी के अमेठी से है, जहां करौंदी गांव के पुलिया के पास एक युवक द्वारा अधेड़ को गोली मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की किसी बात को लेकर अधेड़ से विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास में मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां पे भागते वक्त हम लोग देखे हैं, सोनी राजकुमार सोनी और अनिल श्रीवास्तव अंदर बैठे थे जो कि खाना खा रहे थे। यहाँ पे हम लोग 100 मीटर दूर खड़े थे, वहाँ पुलिया है उस साइड में, तो वहीं पे हम लोग बैठे थे 4-5 लोग। तो यहाँ से जब वो भाग रहे थे, पहले तो फायर हुआ, फायर होने के बाद जब वो भागे तो हम लोग वहाँ से देखे, हम थे और पूजन थे, और जब भागते हुए देखे उसके बाद हम लोग वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए, आए मौके पे देखे राजा अनिल श्रीवास्तव जिनको गोली लगी है वो यहाँ से निकल के भागते हुए वहाँ तक गए, तो वहाँ वो गिर पड़े, तब तक हम लोग पहुँचे। उसके बाद यहाँ बगल से जो 2-3 औरत हैं ये लोग आईं, तो देखा गया कि गोली लगी है, उसके बाद हम लोग फोन मिलाए। अगली खबर भी यूपी के अमेठी से है, जहाँ जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिनका इलाज CHC तिलोई में चल रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आपसी विवाद को सुलझाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरों में अब बात हरियाणा के तोसाम इलाके की, जहां 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तोसाम इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस CRPF और BSF के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। फ्लैग मार्च की तरह जो करे उसका क्या उद्देश्य है, आज इसके बारे में बताएं। बस विधानसभा चुनाव के संबंध में
शांति कायम रखने के लिए इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। कितने जवान बाहर से मंगाए आप लोगों ने चुनाव के लिए? काफी कंपनियां हैं बाहर से, सैकड़ों। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।